नमस्कार, आप देख रहे हैं दिललम टॉप, मैं उपासना। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अनुपम खेर के पुराने ट्वीट्स वायरल हो रहे हैं। इनमें उन्होंने तेल की कीमतों को लेकर तंज किया था। अब लोग इन्हीं ट्वीट्स को उखाड़ रहे हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि 20 दिन से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने अमिताभ बच्चन का एक पुराना ट्वीट रीट्वीट करते हुए पूछा कि क्या अब तेल नहीं भरवाते हैं या बिल नहीं देखते। इस पुराने ट्वीट में अमिताभ बच्चन ने एक जोक लिखा था, पढ़िए। इसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए जितेंद्र आव्हाड ने ये पूछा है कि वो अब तेल नहीं भरवाते या फिर बिल नहीं देखते। उन्होंने कहा कि यही समय है जब आप बोलें। उम्मीद है कि आप किसी तरफ झुके नहीं होंगे। डीजल पेट्रोल की कीमत इतनी ऊंची हो गई है कि अब मुंबई कर क्या करें, कार जलाए या कार चलाए। मुंबई मिरर के मुताबिक जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार कब तेल की बढ़ती कीमतों पे वैसे ही बोलेंगे जैसे वो मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ बोलते थे। अक्षय कुमार के भी एक पुराने ट्वीट को जितेंद्र ने रीट्वीट करते हुए लिखा, आप ट्विटर पर एक्टिव नहीं है क्या? आप अखबार नहीं पढ़ते? आपकी जानकारी के लिए पेट्रोल डीजल के दामों में बहुत उछाल आया है। दिल्ली में डीजल 80 रुपये 19 पैसे प्रति लीटर, पेट्रोल 80 रुपये 13 पैसे प्रति लीटर, मुंबई में पेट्रोल 86 रुपये 51 पैसे प्रति लीटर हो गया है और डीजल 75 रुपये 34 पैसे रुपये प्रति लीटर हो गया है। अब पुराने ट्वीट्स पर नजर डालते हैं। यूपीए सरकार के दौर में तेल के दाम बढ़ने पर व्यंग करते हुए अमिताभ बच्चन के अलावा अक्षय कुमार, अनुपम खेर, विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट किया, जिन्हें लोग खोद खोद कर निकाल रहे हैं। बेसिकली वो उनका ताज़ा रुझान जानना चाह रहे हैं। वैसे मोदी सरकार के दौरान पहले भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर इनके ट्वीट्स खोदे जा चुके हैं। जैसे एक यूजर ने अमिताभ बच्चन के पुराने जोक को रीट्वीट करते हुए लिखा, मस्त जोक था सर, वंस मोर प्लीज। 15 जुलाई 2012 का अक्षय कुमार का एक ट्वीट है, इसमें वो पेट्रोल डीजल के दाम पर तंज कस रहे हैं। उन्होंने लिखा, जब मैंने 62 रुपये ट्रेंड होते हुए देखा तो मुझे लगा कि ये ज़रूर घटे हुए पेट्रोल के दाम होंगे या फिर कोई 62 करोड़ का घोटाला, लेकिन .. 27 फरवरी 2012 के एक और ट्वीट में उन्होंने लिखा, दोस्तों मैं सोच रहा हूं कि अब आप अपनी साइकिल साफ कर लें और सड़कों पर निकलें। सूत्रों के हिसाब से एक बार फिर से पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले हैं। ये ट्वीट उन्होंने बाद में डिलीट कर दिया था, इस पर काफी विवाद भी हुआ था। हालांकि स्क्रीनशॉट नाम की भी तो कोई चीज होती है जो जनता के पास तो होती है, क्योंकि वो तुरंत स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अच्छा, फिर 16 मई 2011 के एक ट्वीट में उन्होंने कहा था कि मैं रात को अपने घर नहीं जा पाया क्योंकि पूरी मुंबई पेट्रोल के लिए लाइन में लगी थी, इससे पहले कि दाम फिर बढ़ जाएं। अक्षय के ट्वीट पर कविता ने कहा कि पुराना दौर जब हम अपनी चॉइस के हिसाब से बोलते थे, अब हमने सब खो दिया है, आवाज, लॉजिक और सबके भले के लिए लड़ने की ताकत। अनुपम खेर का 14 अक्टूबर 2012 का भी एक ट्वीट सामने आया, इसमें उन्होंने लिखा था कि मैंने अपने ड्राइवर से पूछा, तुम लेट क्यों हो? उसने कहा, सर साइकिल से आया। तो पूछा कि तुम्हारी मोटरसाइकिल को क्या हुआ? सर वो घर में शोपीस की तरह रखी हुई है। अब जब ये सब सोशल मीडिया पर चल रहा है, उधर पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। कांग्रेस ने अपनी राज्य इकाइयों से 29 जून को देश भर में धरना देने को कहा है। कांग्रेस के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कोरोना वायरस संकट को देखते हुए स्वास्थ्य को लेकर गाइडलाइंस का पालन करते हुए आंदोलन किया जाएगा। और 25 जून को RJD नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में साइकिल यात्रा निकाली। वामपंथी दलों ने भी तेल के दामों पर सरकार की आलोचना की है। तो खबर यहीं तक, वीडियो यहीं तक, देखने के लिए शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहते हो तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और ऐसी वीडियोस के लिए ललन टॉप के साथ रहें।